बिहार के चुनावी मैदान में इस बार नई पार्टी के रूप में प्लुरस पार्टी आई है। प्लुरस पार्टी के उम्मीदवार बबलू कुमार नवादा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई करके चुनाव की राजनीति में कूदना किस तरीके का उनका अनुभव है हम जानते हैं। बबलू जी, वो बिल्कुल अलग सेक्टर था, ये बिल्कुल अलग सेक्टर है। राजनीति में एक ही बार आना और इस तरीके से प्लुरस पार्टी जैसी पार्टी से एंट्री करना, किस तरीके का आपका अनुभव है और क्या आपकी प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी बातों को रखने का। और बात रही कि मैं मैनेजमेंट से हूँ और प्लुरस पार्टी में मेरा एक नया करियर आ रहा है, एक तरह का ये पॉलिटिकल करियर जो मैंने शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरे लिए। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो पॉलिटिक्स भी एक तरह का मैनेजमेंट का ही पार्ट है, कैसे आप अपने स्टेट को डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं। और प्लुरस पार्टी जो है बिहार की राजनीति में एक सनसनी है, मैं अभी यही कहना चाहता हूँ, ये एक सनसनी है। लोग जैसे इस पार्टी के लिए क्रेज़ी हो रहे हैं, मतलब लोग चाहते हैं ये पार्टी की सरकार बने। हमारी जो मैडम प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो बहुत ही ज़मीनी स्तर पे मेहनत कर रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि जात पात की राजनीति दूर हो। जो पॉलिटिक्स में बाहुबली दबंग और पूंजीपतियों का जो राज है, इससे दूर हो और बिहार में एक औद्योगिक क्रांति की फिर से शुरुआत हो, जो 1991 में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की जो बात हुई थी, जो औद्योगिक नीति आई थी, उसके ऊपर फिर से चर्चा हो बिहार में खास करके। और इसीलिए मैडम हमेशा अपने बातों में जिक्र करती है, लेट्स ओपन बिहार 30 ईयर लॉकडाउन। तो हर स्टेट आगे बढ़ रहा है, हम लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमारे ही युवा दूसरे स्टेट में जाते हैं, मुंबई, राजस्थान, कहीं भी देश के किसी भी छोर में, तो वो लोग श्रम करते हैं और श्रम से वो स्टेट के लोग पूंजीपति बनते हैं और हमारे ही राज्य दिन प्रतिदिन गरीबी की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, आप अपना समर्थन प्लुरस पार्टी को दीजिए। और आप, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आप एक बार मौका दीजिए। क्या उम्मीद आप लेके आ रहे हैं? देखिए, मुझे जनता से बहुत उम्मीद है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब जीत के नज़दीक है। पार्टी नहीं है लेकिन लोग काफ़ी उत्सुक है इस पार्टी के कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट चुनने का जो तरीका रहा है, लोगों में एक चर्चा का विषय रहा है। ये पार्टी जो है सिर्फ शिक्षित लोगों को टिकट देते हैं जिनका एक किसी फील्ड में कोई एक्सपर्टीज रहे, जैसे कि मैं ट्रैवल सेक्टर मैनेजमेंट से मतलब मैनेजमेंट में ट्रैवल कर रखा हूँ, ठीक है, तो सॉरी टूरिज्म में जो मेरा मैनेजमेंट रहता है, तो वो मेरा एक्सपर्टीज है, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो पार्टी जो है ऐसे ही लोगों को टिकट देती है। ये थे बबलू जी, इनको उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में प्लुरस पार्टी बिहार पे एक नए मुख्यमंत्री और एक नए कैंडिडेट पर एक भरोसा करते हुए जीत दिलाएगी।